8 साल तो मॉन्ट्रियल विच रहिंदे एक पंजाबी जोड़े नूं जल्द ही कैनेडा तों डिपोर्ट किया जा सकता है। देश निकाले दा सामना कर रहे रणधीर सिंह ते उसकी पत्नी राजविंदर कौर नूं रिफ्यूजी का दर्जा देण तों भी इनकार कर दिता गया। इस दे चलदिआं हुण उन्हां दीआं उम्मीदां धुंधलियां होंदियां जा रहियां ने। हालांकि रणधीर सिंह ते उसकी पत्नी राजविंदर कौर वार वार यह दावा कर रहे हैं कि भारत में उन्हां दी जान नूं खतरा है, खालिस्तान लहर नाल कथित संबंधों कारण उन्हां दी जान खतरे में पै सकती है। सीटीवी न्यूज़ की रिपोर्ट मुताबक पिछले 8 सालों तो मॉन्ट्रियल विच रह रही राजविंदर कौर अते उसके पति रणधीर सिंह ने रिफ्यूजी दर्जे का दावा किया सी, पर कैनेडा के इमीग्रेशन अते रिफ्यूजी बोर्ड ने उन्हां दा यह दावा रद्द कर दिता। इस जोड़े ने दावा किया कि वह सियासी हिंसा के शिकार ने। राजविंदर ने कहा कि उसके पति नूं पुलिस वल्लों इस शक विच गिरफ्तार किया गया ते तसीहे दिते गए सी कि उसने आज़ादी की मंग कर रहे कट्टरपंथी सिखां नूं पनाह दित्ती। उधर उन्होंने वकील स्टीवर्ट ईस्ट वानफी का हवाला दिंदिया होया कहा गया कि उन्होंने इको एक उम्मीद कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री द्वारा दखलअंदाजी सी। जिक्रयोग है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जदों कैनेडा तो संभावी देश निकाले का सामना कर रहे भारत के किसी व्यक्ति ने देश विच सियासी शरण लैण लई खालिस्तान नाल अपने शक्की संबंधों कारण प्रतिक्रम की संभावना की वरतों की होवे। इत्थे यह भी दसना बनता है कि भारत नाल संबंधित शरणार्थी दाव्यां नूं अक्सर खालिस्तान के मुद्दे नाल जोड़िया जाता है अते इन्हां विचों वड्डी गिणती नूं स्वीकार नहीं किया जाता। 2023 की पहली तिमाही विच इमीग्रेशन विभाग ने 833 दाव्यां नूं स्वीकार किया अते 722 नूं अस्वीकार किया। पिछले सालों विच स्वीकार किए जाने वाले दाव्यां नालों अस्वीकार गिणती ज़्यादा है। ताज़ा मामले विच 8 साल तो मॉन्ट्रियल विच रह रहे इस पंजाबी जोड़े नूं सिर्फ कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री तो हुण उम्मीद है। जेकर उन्हां वल्लों भी कोई हुंगारा नहीं मिलता तो इस जोड़े नूं कैनेडा तो भारत डिपोर्ट कर दिता जाएगा। इस मामले संबंधी जदों इमीग्रेशन मंत्रालय के एक बुलारे नाल गल करन दी कोशिश की गई तो उन्होंने निजता का हवाला दिंदिया कहा कि एजेंसी किसी भी निजी केस उत्ते कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द टीवी।